भागलपुर में इन दिनों प्रेम प्रसंग के कई अनूठे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है जिसमें एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। उक्त लड़की का कहना है कि प्रेमी ने उसे धोखा देकर यौन शोषण किया और जब उसने शादी की बात कही तो प्रेमी उसे टाल मटोल करने लगा। पूरा मामला भागलपुर जिले के बुद्धूचक थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता संगीता कुमारी ने अपने प्रेमी अमन राज पर शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने लिखित आवेदन देकर महिला थाने में शिकायत दर्ज की है। लड़की रानी डेरा निवासी तिलो मंडल की 22 वर्षीय पुत्री संगीता है, जिसका प्रेम प्रसंग पास के ही सूरज मंडल के 26 वर्षीय पुत्र अमन राज के साथ विगत वर्षों से चल रहा था। मामले को लेकर पीड़िता ने बताया कि वो ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 की पढ़ाई कर रही है। इस दौरान अमन राज से 5 वर्ष पूर्व उसका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। दोनों फोन पर बात करते थे, वो कई दफा उससे मिलने भी जा चुकी है। इस दौरान उसके शारीरिक संपर्क भी हुआ। हालांकि संगीता का कहना है कि वो शादी से पूर्व यह सब करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अमन ने उसे शादी करने का वादा किया था। उक्त लड़की का कहना है कि शादी की बात पर पहले तो वो हामी भर रहा था, वहीं हाल में ही 10 मई को लड़के का आयकर विभाग में कर्मचारी के पद पर उसकी नौकरी लगने के बाद उक्त लड़के का मिजाज बदलने लगा और उसने लड़की को पहचानने से भी साफ इनकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन लड़के के परिवार वालों ने 21 लाख नगद और एक गाड़ी की मांग की है, जिसे पूरा करना उसके पिता के लिए काफी कठिन है। लड़की की मां सरोज देवी ने कहा कि वो विगत 2 वर्षों से जान रही थी कि उसकी पुत्री संगीता अमन राज के साथ प्रेम प्रसंग में है। वो कई बार मिलने के लिए आया भी था, उसे शादी के लिए कोई एतराज नहीं है, लेकिन लड़के वाले शादी के लिए काफी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह भी करना चाहती है, लेकिन बेटी अमन राज से शादी करने को लेकर जिद कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अमन राज ने कहा है कि अगर संगीता की किसी दूसरे व्यक्ति से हुई तो उसके पास मौजूद फोटो और वीडियो को वायरल कर देगा। फिलहाल महिला थाना प्रभारी किरण सोनी ने पीड़िता के लिखित आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे मेडिकल जांच के लिए जिले के सदर अस्पताल ले गई है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर उक्त लड़के पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ रेप हुआ। रेप हुआ। किसने किया रेप? अमन राज। कौन है ये अमन राज? मेरा बॉयफ्रेंड है। कब से था तुम उसके साथ में? कब से थी? 5-6 साल से बात थी। तो शादी की बात कही तो क्या कहा? वो बोला कि हम नहीं करेंगे, पैसा ले लो तुम शादी और कहीं कर लो। क्यों? अब जो पैसा देगा तो बोल क्यों कि क्यों 5 साल से अफेयर था तुम्हारे साथ, हम बिस्तर थी, अब क्यों ऐसा बोला? बोला कि नहीं नहीं करेंगे हमको साथ में शादी। नौकरी कहाँ लगी है उसकी? कलकत्ता। किस विभाग में? वही इनकम टैक्स विभाग में नौकरी लगी है। कहाँ कराने वाला है अमन राज? रानी दियारा का थाना। थाना बताओ? बुद्धूचक थाना। तुम्हारा घर कहाँ हुआ? मेरे घर वही रानी देरा। रानी देरा बुद्धूचक थाना। चटले दोनों को। अच्छा तो क्या चाहती है? शादी करना चाहती है। अमन राज के परिवार से बातचीत हुई? नहीं हुआ। परिवार वाले से मिलने उलने गई? बोला क्यों नहीं, लड़का जानेगा। अच्छा, परिवार वाले भी मतलब तैयार नहीं है, टाल मटोल कर रहे हैं तुम्हारे से? तुम केस करने के लिए आई? पुलिस ने क्या कहा? कार्रवाई करेंगे। अच्छा, भागलपुर आता जाता है पढ़ने के लिखने आता है, खेती गृहस्थी बेटे करते थे तो क्या जानेंगे। तो हमको 2 साल से मालूम है, कहते हैं कि हमको बेटी के पीछे छोड़ दो, कहते नहीं जहाँ तुम करेगी तुम वहाँ फोटो छिड़ा, तुमके बेटी के साथ में फोटो हम छिड़िया देंगे। फोटो कहाँ लगाएगा, फिर भी कहीं कराएगा शादी, फिर हमको घर आना पड़ेगा लड़की को। हम डर से मारे, कहीं जहाँ भी कुटुम लगता जाता है वहाँ जाकर कहता है कि लड़की के शादी हम करेंगे, तुम मत लगाइए। किसने हमको चाहते शादी किया, नहीं तो उसको हम सस्पेंड चाहिए नौकरी से। ठीक, उसको जो नौकरी सस्पेंड हो जाएगा तो हम शादी नहीं करेंगे, नहीं तो नौकरी है तो हमको बेटी से शादी कर दीजिए। मैं मांगता है टका, हम लोग 21 लाख एक गाड़ी। अच्छा, 21 लाख रुपया कहाँ से देंगे? पैसा की मांग किया है। हाँ, 21 लाख दीजिए तब तुमको बेटी से शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब वो फिर भी गार्जियन कहता है कि ये कैसे देगा तो हम घर में नहीं रहने देंगे। वो लड़का के बड़का भाई बोला।
भागलपुर में इन दिनों एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मामला तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां दो छात्राएं आपस में बाथरूम में ही भिड़ गए और चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे डाला। इस बात को कुलपति मानने से इनकार कर दिए कि चाकूबाजी की घटना हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी विभाग के द्वारा छात्र के पास से दो चाकू बरामद किए गए। बता दें, इन दिनों पीजी में कई विषयों के एग्जाम चल रहे हैं, जिसको लेकर ये दोनों छात्राएं भी एग्जाम देने के लिए पहुंची थी। जिन छात्राओं के बीच विवाद हुआ, एक होम साइंस की छात्रा है तो वही दूसरी मनोविज्ञान की छात्रा। इस घटना को सबसे पहले विभाग के चतुर्वर्गीय कर्मचारी बम ने देखा। इसके बाद इसकी जानकारी विभाग के एचओडी सहित शिक्षकों को दी गई और मौके पर पहुंचकर दोनों को शांत करवाया और दोनों के बीच सुलह भी करवाई। इसके बाद इसकी जानकारी विभाग के एचओडी सहित शिक्षकों को दी गई और मौके पर पहुंचकर दोनों को शांत करवाया और दोनों के बीच सुलह भी करवाई, जिसको लेकर विभाग एचओडी ने दोनों छात्रों के परिजनों को कार्यालय बुलाया और लिखित लेकर दोनों को जाने दे दिया। लेकिन किसी ने इसकी सूचना कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल को दे दी। इसके बाद कुलपति विभाग पहुंचे और हिस्ट्री विभाग के एचओडी के कमरे में सभी विभाग के एचओडी और शिक्षकों को बुलाया और सभी से मामले को लेकर पूछताछ की। वही कुलपति ने जब मामले के लिए पूछताछ करनी शुरू की तो एचओडी ने बताया कि सबसे पहले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बम ने आवाज सुनी और हम लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद एक एक कर विभाग के एचओडी से कुलपति ने घटना को लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शिक्षिका ने बताया कि चिल्लाने की आवाज सुनी, इसके बाद हम लोग वहां पहुंचे तो एक छात्रा को जख्म के निशान था तो दूसरी छात्रा बेहोश होने की बार बार नाटक कर रही थी, जिसको लेकर हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, उसका ट्रीटमेंट भी करवाया, जिसके बाद उसके परिजनों को बुलाकर लिखित आवेदन देकर दोनों को जाने दे दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने चाकूबाजी की घटना से इनकार करते हुए कहा कि दो छात्राएं आपस में भिड़ गई थी, जिसका मैंने प्रारंभिक जांच किया है। मैंने सभी शिक्षक और शिक्षकों को बुलाकर हर एक बिंदु पर पूछताछ की है, कहां हुई, क्यों हुई, कब हुई और किस लिए, सब बिंदु पर पूछताछ की है। कौन कौन शिक्षक ने देखा है दोनों लड़कियों को लड़ते हुए, बाद में एक फोटो सामने आया जिसमें दो चाकू दिखा है, उसके बारे में पता किया तो पता चला कि उसके बैग से बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा यह कहना है कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को बाथरूम में खींचा है, यहीं पर मैटर सीरियस दिख रहा है। यह तो अच्छा है कि हिस्ट्री विभाग के कर्मचारी ने देखा और हल्ला मचाया, अगर वह नहीं देखते तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने कहा कि हमें लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कारण होगी, हमारे द्वारा इसकी पुलिस से जांच कराई जाएगी। एक मिनट, चाकूबाजी नहीं हुई, आप कैसे बोल दिए चाकूबाजी, आपस में झगड़ा हुए हैं, क्या पूछे? कुछ नहीं, अभी मैंने प्रारंभिक उसकी जांच की है, जितने भी जो शिक्षक शिक्षिकाएं और जिस क्षेत्र कर्मचारी जो है उन लोगों को बीच में बुला करके मैंने एक एक पॉइंट, कहाँ हुई, कहाँ का घटना हुआ, कब हुआ, कितना बजे हुआ, कौन कौन शिक्षक ने देखा है ना, दोनों को लड़कियों को लड़ते हुए, फिर बाद में जो है एक में एक फोटो आया है, छोटी छोटी चाकू है, उसका भी पता नहीं, उसने बताया कि उसके बैग में था, तो ये सारा चीज़ हो गया है। उसके बाद में गार्जियन आए, गार्जियन को लो करके चले गए, लेकिन मेरा ये सोचना है कि एक लड़की ने दूसरी लड़की को बाथरूम के अंदर खींचा, यहीं पर मैटर सीरियस दिखता है। वो तो अच्छा है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी है, उसने हल्ला मचाया, वहाँ के टीचरों ने सहयोग किया, एंथ्रोपोलॉजी के लोगों ने देखा और साथ ही साथ जो है वो कर्मी वो लोग जा कर के बच बचाव किए, अन्यथा अगर नहीं हल्ला नहीं होती ना, उसमें बम का नाम पहला है, बम ने पहले देखा हल्ला करते हुए, तो वहाँ जा कर देखा फिर उसने बुलाया, तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। हमको लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा ये है जिसकी पुलिस इंक्वायरी होगी, लेकिन विश्वविद्यालय के स्तर पर मैंने हेड को हिस्ट्री को बोला कि आप एक एक घटनाक्रम को आप लिख करके प्रॉक्टर को दीजिए और पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं,
पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में भीषण आगजनी हुई है। घटना आदमपुर थाना क्षेत्र की आदमपुर चौक के समीप का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। हादसे के वक्त घर में कोई सदस्य नहीं था। स्थानीय सूत्रों की माने तो आग की लपेट को देख लोगों ने इसकी जानकारी मकान मालिक को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दमकल टीम को घटना की जानकारी दी। लोगों ने बताया कि अपार्टमेंट में तीसरी फ्लोर में धुआं देखा गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की तीन छोटी बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना में सारा सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। किरायेदार मोनू वर्मा ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हादसा हुआ है। हादसे के वक्त हम लोग घर में नहीं थे, हालांकि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यहां पर शॉर्ट सर्किट से एक पारिवारिक आवास से उसमें आग लग गई थी। हम लोग को सूचना मिला, सूचना मिलते ही दो छोटी और एक बड़ी गाड़ी लेकर के आए, क्योंकि संकीर्ण रास्ता होने के कारण काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। खैर, और यहाँ के लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा, जिस कारण से आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया। सर, नुकसान सामान वगैरह की कितनी हुई होगी? घरेलू सामान वामान नुकसान हुआ है और उसका आकलन हम लोग कर रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं, जो होगा फिर बृहद विस्तृत रिपोर्ट बता दिया जाएगा। कितनी देर में आग पर काबू पाया गया सर? आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटा लगा है। भागलपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दूसरे पक्ष की तरफ से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें दो लोगों के कनपट्टी से सटते हुए गोली फायर हुई। हालांकि इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जबकि 5 लोग घायल हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। 6 माह पहले भी दो पक्षों में मारपीट हुआ था। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने घायल को आन-फान में इलाज के लिए भागलपुर के पीरपैंती रेफर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना में घायल कैलाश ठाकुर, सुजीत कुमार, सुभाष कुमार, रितेश कुमार और दिलीप ठाकुर शामिल है। घटना भागलपुर कटिहार बॉर्डर के बीच मनिहारी थाना क्षेत्र की बकियादिया इलाका है। घटना में जख्मी सुभाष ठाकुर ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर परिवार के ही लोगों ने गोली चला दी। हम जैसे ही घर से निकले तो लोग हम पर भी हमला कर दिया। घटना में कुल 4 लोग जख्मी है, जिसमें 2 को गोली लगी है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल घायल का इलाज भागलपुर की पीरपैंती अस्पताल में चल रहा है। घर से हम घर में थे और घर से बाहर निकले, पूरा लाठी उठी, पूरा गोली बंदूक सब निकाल के सब मारने चालू कर दिया। गोली भी चला है? जी सर। के राउंड गोली चला, किसको लगा है? 2 राउंड चला है सर। किसको लगा है गोली? मेरा भैया को लगा है, मेरा भतीजा को लगा है। के लोग घायल हैं आप लोगों? 3 आदमी घायल है। 4 हमारा चोट लग लो हमला किया है। सकलदीप ठाकुर किया है, जनार्दन ठाकुर किया है, वकील ठाकुर किया है, बेदा ठाकुर किया है, अधिक ठाकुर किया है। रेफर कर दिया गया है सबको यहाँ से। मुन्ना ठाकुर है, संदीप ठाकुर है, प्रीतम ठाकुर है। मेरा मामला वही सब बच्चा सब बोलते बोलते बस गोली लाठी लेके दौड़ गया, भागते भागते चलाया गोली माथा पे, बस गिरे बेटा, लाठी दे दिया कमर पे, पीठ पे, देखे जाऊँ तो। गोली कहाँ पे, किधर लगा आपको? यहाँ पे छिटक के, छिपे जो लग गया छिटक के, बस भागने। कौन मारा है गोली? जनार्दन ठाकुर और प्रीतम ठाकुर दोनों गोली चलाया।
भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में जनता दरबार थाना अध्यक्ष प्रियरंजन सीओ रवि कुमार के द्वारा लगाया गया, जिसमें सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों के दर्जनों जमीन विवाद के मामले पहुंचे। इसमें 6 नए केस के मामले पहुंचे, जिसमें पुराने 6 केस का निष्पादन किया गया। वहीं गनगनिया पंचायत के फतेहपुर गाँव में भाई भाई की जमीन विवाद मामले जनता दरबार पहुंचे पर जदयू के जिला अध्यक्ष महेश दास फतेहपुर गाँव पहुंचे और दोनों भाइयों को समझा बुझाकर मामला शांत कराते हुए जनता दरबार में आने पर सारी समस्या का निष्पादन किया जाएगा की बात कही। इस दौरान दर्जनों जमीन विवाद के मामले पहुंचे हुए थे। शिरोमणि देवी नाम से। कितना जमीन है? 1 डिसमिल। 1 डिसमिल जमीन है। किसे खरीदे हैं जमीन? उपेंद्र मंडल से। उपेंद्र मंडल कौन है आपका? मेरा भाई है। उन्हीं से खरीदे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या चल रहा है अभी, माजरा क्या है अभी? माजरा यही है कि इस पे विवाद चल रहा है। किससे? दिनेश मंडल से। क्यों चल रहा है? बोल रहा है कि इसमें हम भी हिस्सा लेंगे। क्यों? जबरदस्ती। जबरदस्ती कर रहा है? तो इसके लिए थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ दे दिए हैं। क्या कह रहा है वो? अभी तो बोला कि कार्रवाई होगा। कार्रवाई होगा? हाँ। तो ये दिनेश मंडल क्या कह रहा है? ये तो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या मार झगड़ा करता है? हाँ। क्या करता है? बता, नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे? हाँ। जो करना है जो करो। क्या धमकी? हम नहीं हटेंगे। धमकी देता है? हाँ। क्या धमकी देता है? धमकी देता, हम नहीं हटेंगे, ज्यादा बोलोगे तो मारपीट होगा, मार दिया जाएगा, जान मार देंगे, यही बोलता है। कौन बोलता है? वही बोलता, उसका बेटा सब बोलता है। क्या नाम है? जितेंद्र मंडल है, धर्मेंद्र मंडल है। और कौन है? उसी का परिवार सब है। अच्छा अच्छा, आपके पत्नी के नाम से जमीन है? हाँ। क्या नाम बताया पत्नी का? शिरोमणि देवी। कौन सा गांव है? ये ग्राम फतेहपुर है। वार्ड? 9 नंबर।